फेमिनिस्ट न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों ने की दारू पार्टी और फिर अपने ही साथी को जंगल अलाव में फेंक दिया। ओमिक्रॉन के 10 मरीज हुए ठीक। दरियापुर गांव में लगा टीकाकरण शिविर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शराब के नशे में दोस्त ही दुश्मन बन गए। किसी बात पर कहासुनी हुई और 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी को आग में फेंक दिया। यह घटना रायसेन जिले के बेगमगंज इलाके की है। बुरी तरह झुलसे दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 2 अभी फरार है। नशे में दोस्त न रहा, अपने ही मित्र की जान के ऐसे दुश्मन बने कि उनकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्त बच तो गया लेकिन हालत गंभीर है। ये घटना रायसेन जिले के बेगमगंज इलाके की है। रविवार को ठंड बहुत थी। यहाँ के उमरकोर गांव में 6 दोस्तों ने घर में पार्टी की। सबने मिलकर शराब पी और फिर घर के बाहर ही सर्दी से बचने के लिए अलाव तापने लगे। उसी दौरान उन सबके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात इतनी बड़ी कि 5 दोस्तों ने मिलकर अपने 6वें साथी नरेंद्र लोदी को वहां जल रहे अलाव में फेंक दिया। अलाव में गिरते ही नरेंद्र बुरी तरह झुलस गया। अगली खबर, पिंपरी चिचवड़ के 10 मरीज जो नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए थे, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और सभी संक्रमण मुक्त हो गए हैं। फिलहाल शहर में एक निजी अस्पताल में ओमिक्रॉन के एक मरीज का इलाज चल रहा है। वह पिंपरी चिचवड़ का निवासी नहीं है, यानी शहर में अब ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं है। नगर निगम प्रशासन तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को कम से कम फिलहाल तो रोकने में सफल रहा, यह एक बड़ी राहत है। अगली खबर, भूसावर में नगर प्रशासन ने कोरोना की जांच और लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए अभियान चलाया है। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद से शहर का स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की जानकारी हासिल कर रहा है तथा लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। भूसावर तहसील से सटे आयुध निर्माणी के दरियापुर गांव में सामाजिक कार्यकर्ता संजय खन्ना और ग्राम पंचायत की मदद से गांव में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।